भाजपा किसान मोर्चा महानगर एवं जिला की संयुक्त ग्राम पंचायत किसान कुंभ कार्यशाला का एमपी कॉलेज रोड स्थित जिला पंचायत सभागार में मंगलवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि योगेश्वर तिवारी ने किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ग्राम सभा किसान कुंभ के माध्यम से किसानों के बीच में जाकर केंद्र व प्रदेश सरकार के किसान कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को जागरूक कराएं, सरकार की उपलब्धियों को आम जनमानस को बताएं। इस आधार पर ग्राम सभा स्तर पर कार्यक्रम तैयार किया जाए। इस दौरान मुख्य रूप से ब्रिजेश किशोर राय, लालजी यादव, सोल सिंह, शशिकांत सिंह, रणजीत सिंह शाही, शिवचरण प्रसाद, धीरज त्रिपाठी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए योगेश्वर तिवारी ने कहा, अपमान कर रहे थे, तिरस्कार कर रहे थे, राजनीति की गंदी इबारत। फिर कोई माइका लाल भारत की सरकार पर, मोदी की सरकार पर प्रमाण के साथ राधे राम की परंपरा से लेकर के संयुक्त राष्ट्र संघ में भीख का कटोरा लेकर के जाया कर भरपाई करने का काम मोदी की सरकार ने किया है। देश की अर्थव्यवस्था आज पहले परेशान है तो वो लोग परेशान है जो कल लोबा कार्यक्रम दिया नहीं गया कि देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में अभी करेंगे आप जनता से इतना बड़ा कार्यक्रम। किसान मोर्चे ने वही की बात आपके बीच में दोहराता हूँ, ये मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, मुख्यमंत्री जी का जिला है। अगर वास्तव में ईमानदारी से देखा जाए, कई लोग हम लोगों के साथ हैं, नरेंद्र मोदी धन्य है, योगी आदित्यनाथ वोट देंगे या नहीं देंगे ये उनकी नैतिकता जानेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा ने भारतवर्ष के सभी 2.5 लाख गांव में ग्राम सभा किसान कुंभ के माध्यम से किसानों के बीच में जाकर के उत्तर प्रदेश की और भारतवर्ष की माननीय मोदी जी और योगी जी की सरकार की जो किसान कल्याण की योजनाएं हैं, उनकी सरकार की उपलब्धियां हैं, इनको लेकर के किसानों के बीच में जाएंगे। इस आधार पर ग्राम सभा स्तर पर कार्यक्रम तय किया गया है। उस कार्यक्रम में हमारे जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता और नेतागण जाने वाले हैं, उन लोगों के लिए किस प्रकार से उस कार्यक्रम का स्वरूप होगा, किस प्रकार से उस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे, इसी विषय को लेकर के जनपद स्तर पर हम लोगों की गोरखपुर क्षेत्र में कार्यशाला आयोजित की गई है। और आज गोरखपुर क्षेत्र के में कुल 11 जनपद हैं, जिसमें आज ये 10वें जनपद की कार्यशाला अभी गोरखपुर में संपन्न हो रही है। एक जनपद की कार्यशाला अभी कल होनी है और कार्यशाला के बाद 10 तारीख से किसान मोर्चे के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ गांव में जाकर के ग्राम सभा किसान कुंभ का आयोजन करेंगे।